हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, सिरसा से एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कोविड काल के दौरान लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को अब सरकार ने हटा दिया है। हरियाणा में तकरीबन 5400 और सिरसा में ऐसे 71 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज रिलीव किया गया है, जिससे उनके आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के वक्त जब डॉक्टर्स तक भयभीत थे, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना मरीजों की देखभाल की, लेकिन सरकार ने एक ही झटके से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उनकी मांग है कि बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए उन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर किया जाए। आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहाँ पर सिरसा जिला में 71 ऐसे परिवारों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कोविड काल के वक्त में लगाए गए तमाम उन कर्मचारियों को अब रिलीव कर दिया गया है। डाटा ऑपरेटर के तहत काम कर रहे सचिन ने कहा है कि कोविड के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की। सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक उन्होंने ड्यूटी की, लेकिन आज कोविड ख़त्म होते ही उन्हें रिलीव कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पक्के लगे कर्मचारी कोविड मरीज को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं हुए थे, तो तब तक उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने बताया है कि सिरसा में 71 लोगों को रिलीव किया गया है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य मंत्री से मांग है कि कोविड काल के दौरान लगाए गए सभी लोगों को किसी न किसी पद पर बहाल किया जाए। वहीं पर स्टाफ नर्स नीतू ने बताया है कि अंडर कोविड उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त कोरोना आया, उस वक्त इतना डर का माहौल था कि डॉक्टर्स तक कोरोना मरीज को हैंडल करने में डरते थे। पॉजिटिव पेशेंट के नाम से ही सब घबरा जाते थे, लेकिन उन्होंने उन मरीजों का इलाज किया, उनकी देखभाल की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी स्टाफ कोविड के दौरान लगा था वो ट्रेंड नहीं है, सभी ट्रेंड स्टाफ है। उनकी मुख्यमंत्री से मांग है कि जहाँ भी पोस्ट खाली उन्हें दोबारा से काम पर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हर कोविड वॉरियर को बहुत बड़ा नाम दिया था, सम्मानित किया था, लेकिन आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पर कर्मचारियों ने कहा है कि पूरे हरियाणा में तकरीबन 5400 और सिरसा में 71 लोगों को रिलीव किया गया है। उन्होंने बताया है कि आगामी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मचारी पंचकुला बस स्टैंड पर इकट्ठे होंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, मांग करेंगे कि नौकरी की गारंटी दी जाए, सेवा विस्तार को बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि 8 अप्रैल को आंगनवाड़ी के प्रस्तावित आंदोलन में स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल होंगे। सिरसा में 200 बेड पोस्ट स्वीकृत करवानी है, जिसके लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जिनकी घोषणा की जा चुकी, इसलिए 8 तारीख के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इस बात की मांग की जाएगी। क्या कुछ कर्मचारी इस मौके पर कह रहे हैं मीडिया से बातचीत में, वो भी आपको सुनवाते हैं। और हमारी सिर्फ मांग यही है कि हमें यहाँ पर, जब तक हमसे देखिए काम चलाया जा रहा था, कोविड में हमने इतनी मेहनत करी, इतने काम कर दिखाए, हमने रात दिन एक किया है, सुबह के चार बजे तक हमने ड्यूटियाँ की हैं, 9 बजे यहाँ पर सुबह आते हैं, तो अगले दिन सुबह के 4-4 बजे तक आके ड्यूटियाँ भी करी हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि बस उन्होंने बोल दिया आज आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड ख़त्म हो गया तो हम भी कुछ नहीं है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यही बोलना चाहूँगा, क्या हमारी वैल्यू सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की थी? सिर्फ कोविड के समय हमें जब ज़रूरत थी, जब कोई भी पॉजिटिव केस जो पक्के लगे हुए यहाँ पर अधिकारी, वो हाथ लगाने से डरते थे, तो हम सब लोग ही, जो हमारी मैडम है, हमारे सब लोग भाई है, LT है, सब लोग हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे होकर उन्हें हाथ लगाया, उनको खाना खिलाया, उनको दवाइयाँ तक भी पहुँचाई है। कितने लोग हैं जो टर्मिनेट किए गए हैं? देखिए, सिरसा से 71 लोग हैं जो यहाँ पर इनको स्थगित किया गया है, इनको निकाला गया है, इनके हाथ में रिलीविंग लेटर दिया गया है, 71 लोग हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे, हम 71 नहीं, हम पूरे जितने भी कोविड-19 में जितने लगे हैं, उन सबकी अपनी जो है पद है, वो सभी को अपने वापस करे जाए। प्रदेश स्तर के तमाम 28 कोविड कर्मचारी, सिरसा में 71 मानस हैं, पूरे हरियाणा में 5400 कुछ हैं, 7 तारीख को पंचकुला बस स्टैंड पे इकट्ठे होके एक कर्मचारी DG हेल्थ के दरवाजे की ओर जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि इनकी जो नौकरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, सेवा विस्तार को बढ़ाया जाए। और 8 तारीख को पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट है किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, आंगनवाड़ी के आंदोलन को लेकर के पहले से काल है, उसमें स्टेट कमेटी से बातचीत करके तमाम जिला मुख्यालयों पर कोविड कर्मचारी जो प्रदेश के अंदर अलग हटाए गए हैं,
इनको एडजस्ट करवाया जाए। और सिरसा जिला में 200 सेंक्शन पोस्टें अलग से बेड की स्वीकृत करवानी है। चिट्ठी लिखी जा चुकी है, घोषित कर चुका है इस बेड को प्रदेश की सरकार द्वारा, पीएमओ जी यहाँ बैठते हैं। 200 बेड की सेंक्शन भी जिला सिरसा में स्वीकृत हो। इसके लिए 8 तारीख को जिला मुख्यालयों पे एक बड़ी संख्या के अंदर आंदोलन करके सरकार से मांग की जाएगी कि इनकी कोविड वार्डों की सेवा को विस्तार में किया जाए और नौकरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। 7 तारीख को एक निर्णायक आंदोलन की घोषणा पूरे प्रदेश स्तर पर की जाएगी। आगामी होने वाले आंदोलनों के अंदर आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश स्तर के हॉस्पिटल भी बंद कराने पड़े, उससे भी स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ या अन्य हॉस्पिटलों के जो संगठन हैं अलग अलग कैटेगरियों के, उनसे बातचीत करके हॉस्पिटल बंद करवाने की भी आवश्यकता पड़ी तो उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। अंडर टू कोविड मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब यहाँ पे जो है कोरोना जब आया था उस टाइम यहाँ सड़कों पे भी और इतने पेशेंट की महामारी आई हुई थी, उस टाइम इतना डर इंसानों के अंदर बसा हुआ था कि जैसे डॉक्टर्स हम एक मैं मेडिकल लाइन से सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि उस टाइम डॉक्टर्स भी डरते थे, स्टाफ नर्सिस भी डरती थी। एक्चुअल में जो परमानेंट स्टाफ हैं, मैं ये नहीं कहती उन्होंने काम कम किया या हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम लोगों को उस टाइम क्या था कि वेंटिलेटर पर पेशेंट आया, पॉजिटिव नाम से ही इतना डर लगता था कि हाईलाइट नाम हो जाता था कि अब वो पेशेंट पॉजिटिव हो गया। उन लोगों को हम लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया, खाना खिलाना सब कुछ, बहुत सेवा जो हम लोगों ने उनको प्रदान की। तो हर यहाँ पे जो स्टाफ नर्सिस हैं अंडर टू कोविड लगे थे, एजुकेटेड हैं और ऐसा नहीं है कि वो अंडर कोविड में ही वर्किंग हैं, और अदर साइड भी सफल किया जा रहा है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कह रही हूँ कि उनको जॉब जो है दोबारा से दी जाए, और सब एजुकेटेड डिप्लोमा वाले हैं और उनको जो है जहाँ पोस्टें हों वहाँ पे जो है उनको दोबारा से काम दिया जाए। और हर स्टेट में यही सब हो रहा है, तो मैं तो यही चाहती हूँ अनिल विज जी से कि हर कोविड वॉरियर्स को बहुत बड़ा नाम दिया गया था, सम्मानित किया गया था, तो आज कोविड वॉरियर को जो है पहले ताली और थाली से सम्मानित काम चलाया गया था, तो आज सम्मानित करने के बाद हमें एक थाली ही पकड़ा दी गई और रोड पे चक्के मार दिया गया। तो हमारा एप्रिशिएट यही है कि हम लोग जॉब से निकाल के हमें जो है हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया गया। क्या हमारे लिए, आम जनता से भी यही गुहार लगाती हूँ, क्या ये डिसीजन हमारे लिए सरकार ने लिया है ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में?